मैं इतना चबल हुआ करता था यार, ये बर्थडे हो रही है भाई मेरी बचपन में, शायद एक बार हो योगी 2002 की बर्थडे जो है ना, बस एक बार मेरी बनाई। गर्लफ्रेंड कैसी थी मेरी उस जमाने की है बताओ जरा। तो क्या चल रहा है आजकल, मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर एल्विश भाई। तो भाई बड़ी देर से जो है आपके भाई ने रोला डाला हुआ था कि यार चाइल्डहुड पार्ट टू आएगा, पार्ट टू आएगा, तो फाइनली जो है पार्ट टू आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिन लोगों ने अभी तक जाके पार्ट वन नहीं देखा तो सबसे पहले तो जाके पार्ट वन देखो, उससे भी पहले जो है डक्की भाई व्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब करके लाइक कर दो लाजमी। निकल अरूप, चाइल्डहुड वीडियोस देखनी है तो आ जाओ। ये अरूप तुम्हारी कोई बचपन की वीडियोस नहीं पड़ी हुई यार? नहीं। तो शुरू करते हैं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये जो है हम लोग जापान में जो है ना घास के अंदर जो है ना स्लाइडें ले रहे थे, देखो गिर गया भाई। बचपन से ब्लैक शर्टें पहन रहे हो। ये देखो 5 मिनट बाद उसको रोना याद आया। पहले वो गिरा है, फिर उसने देखा है कि मुझे रोने पे अटेंशन मिलेगी कि नहीं, उसके बाद जाके जो है उसने रोना शुरू किया भाई। ये देखो मैं रेडी हो रहा हूँ भाई स्लाइड लेने के लिए। आए 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 आए, आ गया भाई, आ गया भाई। बंदर जैसे कान हुआ करते हैं मेरे। बात तो सही है। ये देखो लड़की सेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे याद आया कि पाकिस्तान के अंदर अरूप बैठी है, मैंने भी उससे बात की। मैं कभी शादी पाकिस्तान करेंगे, हमने जापानी लड़कियों को मुंह नहीं लगाना भाई। तुमने देखा नहीं मैं मुंह लगने लगा था उसके। अच्छा ये देखो सारे कप के अंदर जो है या तो अपनी बेगम के साथ बैठे हैं या तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हैं, और मैं जो हूं ना अकेला ही घूमी जा रहा हूँ। ये देखो मेरे साथ कोई भी नहीं हुआ करता था, तब मैं इमेजिन कर रहा होता था। ये हमारे घर में जो है ना कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे ईद के दौरान। ये क्या किया मैंने भाई, मैं इतना चबल हुआ करता था यार, ये देखना। ये हमारा कंप्यूटर हुआ करता था। ये साल का कंप्यूटर। तुम कितने प्यारे थे साथ, तुम कितने क्यूट थे। Oh, I wish my son is just like you. नहीं। तुम अपना ना उसे एक्टिव प्ले कर, कार्टून देख रहे हो। ये देखना मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं ये कार्टून की तरह घूम रहा हूँ। ये देखो। ये साल का कंप्यूटर। ये मैं क्या कर रहा हूँ? अरूप ये मैं नहीं हूँ। ये मैं हूं ही नहीं। ओ यार इस तरह की चवले मैं नहीं मारता था। झूठ बोल रहा है। ये हमारा घर हुआ करता है जापान में, ठीक है। कोई कुर्सियां कोई टेबल नहीं हुआ करती थी, जमीन पे बैठते थे। ये मुझे जो है ना कोई नया नया जो है ना खिलौना मिला है ट्रेन का, उसको मैं असेंबल कर रहा हूँ। ये देखो मोटू का हुआ करता है भाई मैं। क्यूट। तो आप कौन सा पतले हो? कंप्यूटर का बचपन से शौक। हाँ कंप्यूटर देखो हमारा किस तरह से हुआ करता है, जमीन पे बैठ के। मैं तो तब से कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम पैदा भी नहीं हुई थी भाई। विंडोज 98 के जमाने के हैं हम, तुम विंडोज 10 वाली हो। ये ज़िया है भाई है। ये देखो सॉक्स पहन रहा हूँ। बाबा मेरी तस्वीर खींचने लगे हैं। ये मैंने बोला था जुबान का लिए, इतनी क्यूट। दूसरे पाँव पहनो, दूसरे पाँव में पहनो। मामा ने नमाज शुरू कर दी। ये देखो हमारे पास मेहरान जैसी गाड़ी हुआ करती थी, ये मीरा है उस जमाने की डाईहेड्स मीरा। तुम फ्रंट सीट से बैठते थे? हाँ दरवाजा ही तो थे बस। ये हम कहीं जाने लगे हैं, ये मामा आ गई हैं गाड़ी में बैठने लगे हैं। अरूप ये दिन थे यार, अब तो जिंदगी झंड हो गई है यार। गया ये देखो स्लाइड ले रहा हूँ मैं, झूलों पर गए थे स्लाइडें लेने। ये देखो लॉलीपॉप मिल गया भाई हमें मामा से। मामा बाड़ी बाड़ी जो है ना आइसक्रीम दे रही है सबको, चिप्स खा रहे हैं भाई। ये देखो हमारे घर में एक जापानी आंटी आई हुई थी, उसका हाथ पकड़ के जो है ना मैं उसको कह रहा हूँ मेरे साथ खेलो। ये देखो बेडरूम में खुले गए उसका शोर आ गया, कुछ हो तो नहीं रहा। ये देखो हमारे घर में ना ये मैट्स चेंज करने आए थे, मतलब ये जापान में ना जितनी भी फ्लोर्स होते हैं ना वो इस तरह के मैट्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं, पूरे जापान में ऐसे ही होते हैं। तो ये जो है ना ये चेंज करने आए थे उस दौरान का भी बाबा ने जो है ना व्लॉग बनाया हुआ है भाई, यहाँ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो है ना तातामी कहते थे इसको, ये रिमूव करने आए हैं। तातामी देखो उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म है, झाड़ू से साफ कर रहे हैं, टोकरी के अंदर डाल के, प्रॉपर रैपर है उसके अंदर गंद डालेंगे, ठीक है। फर्नीचर मूव करने के लिए भी उन्होंने नीचे पट्टे रखे हुए होते हैं ताकि निशान ना पड़े। तो उस रैपर के अंदर तुम्हें नहीं डाला? ये देखो बाबा ने इस वक्त जो है ना हम लोग खाना खाने आए थे वहाँ पे कैमरा सेटअप किया हुआ है। ये देखो मैं बस कैमरे को देखते रहता था भाई। हाय करके वापस चला गया भाई बलून।
हार क्या रहा हूँ मैं, चुप गया मैं, मुझे पता था मेरी वीडियो बन रही है। ये देखो मेरी जापान में बर्थडे थी, हमने जापानियों को भी बुलाया हुआ था, अंग्रेजों को भी बुलाया हुआ था, हमारे हमसाये में अंग्रेज भी रहते हैं। ये देखो ये बर्थडे हो रही है भाई मेरी बचपन में, शायद एक बार हुई होगी 2002 की बर्थडे जो है ना, बस एक बार मेरी बनाई थी। साधो, हाँ साधो कहते हैं मुझे, साधो कुन। साधो कितनी क्यूट बच्ची है तुम्हारी साधो खड़ी हुई है। है ना, जापानी ऐसी होती हैं। भाई आपके भाई की 2002 की बर्थडे पड़ी हुई है यार, वो भी जापान में। कार्ड भी खुद रहे हो? कार्ड भी खुद रहा हूँ भाई। भाई आपके भाई की बर्थडे पड़ी हुई है, मुझे पता ही नहीं था यार। ये खाना शाना शुरू हो गया है, सूप वगैरह सर्व हो गया है, साथ पता नहीं कैश है, चावल है। ये था माहौल जापान में, कोई गोरा आ रहा है, कोई इंडियन आ रहा है, तो कभी कोई जापानी आ रहा है, फील भी नहीं होता है कि कोई जो है ना नेगेटिविटी है। ये चेक करो, जो मैं ट्रेन असेंबल कर रहा वो बन गई। ये देखो ये शुगर निकला है एंड पे, इतनी बड़ी पूरे कमरे के अंदर जो है ना ट्रैक बन गया है ट्रेन का, बुलेट ट्रेन जा रही है, कभी चेयर के अंदर से, कभी टेबल के अंदर से। ये हम अभी जो है ना किसी के घर मेहमान आए हुए हैं, एज अ मेहमान, पता नहीं शायद इंडियन फैमिली थी या इंडोनेशियन थी, ये मुझे जेन से निकल गया, शायद इंडियन थे, शक्ल से इंडियन लग रहे हैं थोड़े थोड़े। तो उन्होंने जो है ना हमारी दावत की हुई थी। और ले लूँ किन्नू खा के, मैं कह रहा और ले लूँ। अभी जो है ना हम लोग प्ले एरिया आए हुए हैं बड़ी मुश्किल से। ओए ओए खुश हो रहा ऊपर से, अच्छा भला जो है, अच्छा भला जो है मैंने ब्लॉग्स बनाए थे बड़ी मुश्किल से, भाई ने आके लात मार के गिरा दी ऊपर से। हंसी देखो, हंसी देखो कैसे रहा, पागल हो गया भाई, उसको पेंडा भर रहा है, उसको पेंडा भर रहा है भाई, बदला लेने जा रहे, बदला लेने जा रहे भाई। ये देखो हमारी टीचर क्लास में मैथ्स पढ़ा रही है और बाबा व्लॉगिंग कैमरा लेके अंदर घुस गए थे भाई। ये सब हमारा स्कूल है, ये हमारी टीचर हुआ करती हैं, अच्छा सारे सब्जेक्ट की एक ही टीचर हुआ करती हैं हमारी। ये देखो ये जापान में जो है ना कल्चरल शो हुआ था, तो हम जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी वाले लोग थे ना, उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान गाया था। ये वीडियो पता नहीं थोड़ी खराब है, सिंगर था। ये देखो मैं भी लगा हुआ माइक पकड़ के भाई। ये देखो ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, मेरे ख्याल से टर्किश था या कोई था, परफॉर्म कर रहा है मतलब अपना गाना गा रहा है, और मुझे देखना, मुझे पता है कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी देखना, अभी देखना कि मुझे याद है सीन। अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना। मुझे पता है मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने कहा थोड़ा चेजा ही ले ले यार, उठ के चला गया था मैं तो भाई। उसका मजाक बना रहा हूँ। अरे आपके भाई ने खालाबाजी मारी यार, लेवल की क्या खालाबाजी मारी है भाई, मैंने चेक किया, ओए वो देखो अंदर मार गया, पता घूम रहा हूँ मैं, तंग कर रहा हूँ उसको, खालाबाजी लेवल की मारी आपके भाई ने यार। भाई दोबारा हमारा स्कूल का फंक्शन हो रहा है, मुझे देखो लफाफा पहन के आ गया था। गर्लफ्रेंड कैसी थी मेरी उस जमाने की है, बताओ जरा। चुप कर बे कुत्ते। वो देखो फ्रॉक पहना हुआ मैंने, टांगे देखो मेरी, कितना गंदा लग रहा हूँ भाई। जापानीज बच्चे बहुत क्यूट हैं। जापानीज बच्चे ही सिर्फ क्यूट होते हैं, बड़े होके चूहे से लगते हैं। क्लासरूम आ गया है, हम परफॉर्म करके आ गए, अकेला बैठा हुआ हूँ मैं। यहाँ पे गर्ल्स हैं, वो बॉयज अलग बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ, लड़का लड़की अलग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं तो लड़कों से भी अलग बैठा हुआ हूँ। ये देखो अच्छा मेरी बर्थडे थी, मुझे याद ही नहीं है कि मेरी बर्थडे थी। याद आया, याद आया, ये हमारी क्लास में हर मंथ का एक दिन होता है जिसमें पूरी क्लास मेरी बर्थडे दिसंबर में आती है। तो ये सारे चार जो बच्चे आगे खड़े हुए ना, इन सारों की बर्थडे दिसंबर में आती है। अच्छा, तो वो एक ही दिन सेलिब्रेट होती है, मुझे याद आ गया। ये हमारे स्कूल में कॉन्सेप्ट था, यानी कि साल में 12 बर्थडे बनती हैं, ये सारों की दिसंबर में बर्थडे आती है। अरे देखो हम चारों ने फूंक मारी है भाई, हम चारों की बर्थडे थी भाई। ये देखो ये ग्लासेस लेके आए थे बाबा। ये क्या कर रही है? ये कर कुछ नहीं रही थी, मैं ऐसे बीमार होने की एक्टिंग कर रहा ताकि जापानी लड़कियां जो है ना मुझे ऐसे ऐसे करती रहें। हाँ हुआ कुछ भी नहीं था मुझे, ऐवी ड्रामे कर रहा हूँ। वो देखो जपी डाली ना उसने, फिर टेक्निक थी भाई, टेक्निक थी यही भाई। वो ये पता क्या है, ये हमारा जापान में आखिरी दिन है, मुझे याद आया ये सारे हमारी पैकिंग करने आए थे। देखो घर खाली हो गया। वे
भाई ये हमारा जापान में आखिरी दिन था, लेकिन ये हम दिखाएंगे चाइल्डहुड रिएक्शन पार्ट 3 के अंदर, जो एक दो दिन के अंदर ही मैं डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेनी भाई। अच्छा यहाँ पे हमारे पास कैमरा भी नया आ गया है, तो हाई क्वालिटी वीडियोस हैं आगे पार्ट 3 के अंदर, बड़ी लेवल की क्वालिटी है भाई। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, ठीक है, चाइल्डहुड रिएक्शन पार्ट 3 के लिए फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, मिलते हैं कल। ओका फिर हरकतें वही बचपन वाली हैं अभी भी मेरी।